क्यों रुकना है सालों साल, जब पोजीशन मिले इसी साल। मुमरा में मेन रोड पे 1 BHK 29,99,000 प्लस प्लस में G+7 का गेटेड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन इसका आपको मिल जाएगा 2024 दिसंबर में। एमिनिटीज की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम, आपका किड्स प्ले एरिया, सारी चीजें हैं, वर्किंग है किड्स प्ले एरिया। एंड इसके अलावा कुछ आपको क्वेरीज रहेगी या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। मैं इस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बीजेपी पार्षद ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला दुकानदार और उसके पति की जमकर पिटाई कर दी है। दुकानदार महिला की बस इतनी गलती थी कि बीजेपी पार्षद सुधीर कुमार को उसने सामान दिया था और उसी सामान के बदले ये महिला पैसा मांग ली थी और इसी बात से खफा होकर पार्षद और उसके साथियों ने मारपीट की, जो CCTV कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि दुकान भी इन लोगों ने महिला का तहस नहस कर दिया है। पीड़ित महिला का नाम सीता देवी बताया जा रहा है, जो दुकान चलाती है और इसी दुकान से जो है सामान लेते हैं और पैसा मांगने पर मारपीट की गई, सीता देवी के साथ मारपीट की गई। उसके बाद जो है सीता देवी के जो पति हैं जिनका नाम राम यादव है, उनके साथ भी मारपीट की गई है। हालांकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है और वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित महिला सीता देवी ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया है कि मुख्य आरोपी पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य लोगों की CCTV फुटेज के आधार पर पहचान कर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। दरअसल ये पूरा मामला गाजियाबाद का है। मोहन नगर। क्या हुआ था रात? रात में हुआ था, ये पार्षद जो है रोज रोज आते हैं, सिगरेट का डिबी लेते हैं। कौन सा इलाका, क्या नाम पार्षद का? पार्षद वहाँ राजीव कॉलोनी का। क्या नाम है? सुजीत। सुधीर। सुधीर। हाँ, तो क्या हुआ फिर? तो वो रोज रोज बोलते हैं ऐसे, वो सिगरेट देते, सिगरेट देने के बाद पैसा नहीं देते कभी भी नहीं। हाँ। सिगरेट का बोला पैसा दे दो भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक भी लिया, सिगरेट भी लिया, बोला भाई साहब पैसा बहुत दिन को हो गए, पैसा दे दो, इसीलिए गाली देने लगा बहुत सारे। हाँ, गाली देने लगा, इसका मारने भी लगा, कौन भौसरी वाले दुकान लगाएगा तुम्हारा। किस किस को मारपीट किया? वो मेरे भी मारा, मेरे आदमी के भी मारा, मेरे बच्चे के भी मारा, तीन लोग को मारा, 20-25 लोग लड़का को बुला दिया, मेरे दुकान भी पलट दिया, मेरा दुकान भी पलट दिया, मेरे नाक का देखो ये भी छीन लिया, ये भी छीन लिया, सारे लड़का वो लोग था 25-25 लोग। हाँ, मेरे साथ बदतमीजी भी किया। क्या धमकी देते हैं आप? वो धमकी दिया, सबका मार के फेंक दोगे तुम, कौन बचाने वाला है, कौन किया? और दुकान वालों से भी पैसे मांगता है? सारे दुकान वाले से पैसा मांगता है, सारे दुकान वाले देते भी है सारे पैसा। मांगते है एक दिन को 200-200 रुपया। और उसके साथ के लोग जो वो भी पैसा मांगते हैं? हाँ, उसका भाई जो है वो भीने आते तो भीने खाते पीते हैं, भीने लेते हैं, वो भी नहीं पैसा देते हैं। उसका एक और जो है एक मोटा मोटा भाई, वो भी वैसे करते हैं, और जहाँ पैसा का नाम बोलते तो धमकी देते हैं, गाली गलौज देते हैं। तो आपको जितना बरसा खतरा है, डर है आपको आगे से? तो डर ऐसे करेगा तो डर है ना। क्या चाहते हैं आप? क्या जैसे आप कार्रवाई करो। कल दिनांक 20/5/2024 को मोहन नगर हल्का क्षेत्र थाना साहिबाबाद से एक खोखा संचालक की पत्नी सीता ने थाने पर तहरीर दिया कि उस एरिया का एक पार्षद सुधीर तथा उसके अन्य साथियों के द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर के उसके साथ तथा उसके पति के साथ मारपीट की घटना कारित की गई, उसके खोखे को तहस नहस कर दिया गया तथा उससे कुछ रुपए और उसके गहने आदि छीन लिए गए। इस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें मुख्य अभियुक्त सुधीर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है। इसमें जो भी CCTV फुटेज और वीडियो आदि के आधार पर जो भी संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।